नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। सर्दियों में अक्सर लोग ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिनकी तासीर बेहद ही गर्म होती है। इससे अलग जिसके अंदर भरपूर पोषक तत्व मौजूद होते हैं, उनका सेवन भी सर्दियों में किया जाता है। इन्हीं सब्जियों में से एक है ब्रोकली। ब्रोकली का सेवन सर्दियों में कई समस्याओं को दूर करने और अपने खाने को पौष्टिक बनाने के लिए किया जाता है। ब्रोकली के अंदर ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ए आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत को फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज की अति सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसा ही कुछ ब्रोकली के साथ भी है। यदि जरूरत से ज्यादा इसका सेवन किया जाए तो यह सेहत को कई तरह से नुकसान भी पहुंचा सकती है। ब्रोकली के अंदर फाइबर मौजूद होता है जो पेट के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है और दस्त और कब्ज आदि का सामना करना पड़ सकता है। अधिक मात्रा में ब्रोकली का सेवन करने से एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। ब्रोकली का अधिक सेवन करने से पेट में गैस की समस्या जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। गर्भावस्था में अक्सर महिलाओं को किसी भी चीज का सेवन अधिक मात्रा में करने से बचना चाहिए। ब्रोकली भी इन्हीं में शामिल है। गर्भवती महिलाओं को अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से बचना चाहिए। ब्रोकली के सेवन से रक्तचाप को कम किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों का रक्तचाप पहले से ही कम है वो अधिक मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। ब्रोकली से जुड़ी कुछ और भी सावधानियां हैं। व्यक्ति को ताजी ब्रोकली का सेवन करना चाहिए। ब्रोकली को फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहिए। मार्केट से ब्रोकली खरीदते वक्त ध्यान रहे कि उसकी पत्तियां हरी होनी चाहिए। कच्ची ब्रोकली का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छे से धोना चाहिए। इससे अलग कच्ची ब्रोकली का सेवन करने से बचना चाहिए।